सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को नए नए टाइप के नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक मेडिसिन के बारे में जो कि आयुर्वेदिक मेडिसिन है, और यह है आपकी डावर की लैक्सीरेट टैबलेट। अब इसके क्या फायदे हैं, कैसे आपको लेना है, क्या नुकसान है और क्या प्राइस है, सारी जानकारी जो है दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको दूंगा। तो वीडियो जो है शुरू से लेकर आखिरी तक आप देखिएगा। तो सबसे पहले जो है इस डाबर लग्जरी टैबलेट के रेट के बारे में हम बात करते हैं, इसका प्राइस क्या है। तो दोस्तों 162 रुपीज़ में ये एक डब्बी आती है और इसके अंदर जो है आपको 60 टैबलेट मिलेंगी। तो दोस्तों बहुत पहले इसका प्राइस था 150 रुपीज़, इसके बाद इसका प्राइस हुआ 155, और अब जो है इसका प्राइस हो गया, लेटेस्ट प्राइस जो हो गया इसका 162। तो इधर दोस्तों प्राइस जो है समय के साथ जो है बढ़ते घटते रहते हैं, हालांकि दोस्तों घटते तो है नहीं, बढ़ते ही हैं प्राइस। तो अभी का जो है मैं लेटेस्ट प्राइस इसका जो है बता रहा हूँ, 162 रुपीज़ की आती है। तो इधर दोस्तों इसका लेक्सीरेट का एक सिरप भी आता है, लेकिन इधर जो है मैं टैबलेट के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो इस सिरप में दोस्तों जनरली होता क्या है कि डायबिटीज़ वालों को मना किया जाता है सिरप को लेने से, और सिरप में बस ये अच्छी बात ये है कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनके लिए जो है सिरप जो है बनाया जाता है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो टैबलेट जो है नहीं खाते हैं, जनरली वो सिरप ही पीते हैं। तो बाकी फ़ायदे दोनों के सेम हैं दोस्तों, टैबलेट और सिरप के। अब इधर दोस्तों ये जो दवाई बनाई गई है एक जड़ी बूटियों द्वारा दवाई बनाई गई है, और इसमें जैसे कि आपका हो गया स्वर्णपत्री या अयवानी, इस टाइप से जो है इसमें इंग्रेडिएंट से बनाई गई मेडिसिन है। तो दोस्तों ये खरीदनी कहाँ से है, तो आप अमेजोन से ऑनलाइन घर बैठे बैठे खरीद सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूंगा, तो एक बार जो है दोस्तों डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। तो सिरप और टैबलेट दोनों की लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो अगर छोटे बच्चों के लिए लेना है तो सिरप खरीद सकते हो, एक बार लिंक चेक कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इसके फायदे के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, जैसे कि कब्ज, जिसको हम कब्ज बोलते हैं, तो उसमें काफ़ी यूजफुल मेडिसिन है। इसके अलावा अगर आपको गैस की शिकायत है या इनडाइजेशन, आपका जो है सही तरीके से खाना नहीं पच पाता है, तो उस कंडीशन में दोस्तों ये काफ़ी अच्छी मेडिसिन आपके लिए हो सकती है। अगर भाई आपका पेट साफ नहीं होता है और बार बार जो है आप टॉयलेट जाते हैं और उसके बाद भी जो है आपका पेट नहीं साफ हो पाता है, तो उस कंडीशन में आप इसको एक बार ज़रूर लेकर देख सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको कब्ज़ की परेशानी रहती है और काफ़ी महीनों से या काफी सालों से अगर आपको कब्ज की परेशानी है, तो उसका इलाज जरूर कराएं, क्योंकि दोस्तों ये जो है पाइल्स भी हो सकता है इसमें, अगर आपको कब्ज होती है तो इसमें पाइल्स की शिकायत बिल्कुल हो सकती है। तो दोस्तों ये आंतों की बहुत अच्छी तरीके से सफाई करता है, और या फिर मैं बोल दूँ पेट की सफाई करने के लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन है ये आपकी लग्जरी टैबलेट। तो इस प्रकार से दोस्तों पूरे पेट के लिए अच्छी मेडिसिन हम इसको बोल सकते हैं। तो इधर दोस्तों अब हम डोज के बारे में बात कर लेते हैं, इसका डोज क्या है। तो 1 से 2 टैबलेट आपको लेना है एक दिन में एक ही बार, और वो दोस्तों कब लेना है, रात में सोते समय या सोने से आधे घंटे पहले 1 से 2 टैबलेट लेना है। तो इधर आपको बहुत ज़्यादा अगर समस्या नहीं है तो पहले जो है केवल 1 टैबलेट लेके देखें, अगर आपको फायदा नहीं मिलता है तो फिर आप 2 टैबलेट जो है लेकर देख सकते हैं। तो प्रेग्नेंट लेडी को ये मेडिसिन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी को बिना डॉक्टर के सलाह से अगर कोई भी मेडिसिन दोगे तो उसका साइड इफेक्ट हो सकता है। तो एक बार जो है डॉक्टर से सलाह कर लें अगर आपको जो प्रेग्नेंसी है। तो इधर मैं बताना चाहूंगा, अगर छोटे बच्चे हैं जैसे कि मान लीजिए 10 साल से कम, देखिए 10 साल से ऊपर तो आप ये टैबलेट बिल्कुल दे सकते हो और एक टैबलेट दीजिए, लेकिन 10 से कम है, मान लीजिए 6 से 10 साल की उम्र जो है बच्चे की उम्र है, तो उसको जो है दोस्तों आप सिरप दीजिए, क्योंकि वो जनरली दोस्तों टैबलेट नहीं खाते हैं। अगर टैबलेट खा सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो 6 से 10 साल के बीच आप सिरप दे के देखिए। वो सिरप आपको 2.5 से 5 ml देना है, शुरुआत में आपको 2.5 ml देना है। अगर 2.5 से काम नहीं बनता है, अगर फायदा नहीं जो है मिलता है, तो आपको फिर 5 ml देना है। तो इस प्रकार से दोस्तों डोज के बारे में आपको जो है समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो जनरली तो वैसे इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन आपको हो सकता है दस्त हो जाए या पेट में कुछ जो है खराबी हो सकती है। तो दोस्तों अगर आप इसका ओवरडोज लेते हो तो आपको जरूर दस्त वगैरह लग सकते हैं। तो इधर मैं बोलना चाहूँगा केवल 1 टेबलेट से आप शुरुआत करें। जनरली दोस्तों इसके ऐसे कोई खास साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, तो उस पेट से संबंधित जो है आपको प्रॉब्लम होती तो इस मेडिसिन को आप लेना भी बंद कर सकते हो। तो दोस्तों अब बात करते हैं भाई इसके रिजल्ट के बारे में, आपको साइड इफेक्ट के बारे में तो पता लग गया। तो रिजल्ट दोस्तों आपको 1 या 2 दिन में ही आपको काफ़ी जो है रिजल्ट मिल जाएगा। तो इधर मैं बताना चाहूँगा अगर आप इसको लंबे समय के लिए लेते हो तो ये आपके जो है हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा, आपको जो है इसकी आदत पड़ जाएगी। तो इसको जो बीच बीच में ब्रेक करते चलिए, मान लीजिए आपने 1 हफ्ते ले लिया तो फिर आप 2 से 3 दिन के लिए ब्रेक ले लीजिए। तो दोस्तों इधर मैं बताना चाहूँगा अगर आपको कभी कभी कॉन्स्टिपेशन होता है तो आप ये जानिए पहले आपको कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है।
तो दोस्तों जैसे हम शादी पार्टी में जाते हैं या कभी कभी उल्टा सीधा मसाले वाला बहुत खाना खा लेते हैं, तो उस दिन जो है आप इसको ले लीजिए। आप जबरदस्ती नहीं बोलता कि डेली लीजिए, अगर आपको भाई डेली ही कॉन्स्टिपेशन होता तो फिर तो आपको ये मेडिसिन डेली लेना पड़ेगी, लेकिन फिर भी बीच बीच में आप इसको ब्रेक करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इधर दोस्तों कुछ एडवाइस भी मैं देना चाहूँगा, आप अल्कोहल लेते हैं तो उसको बंद कर दीजिए, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे भी दोस्तों कॉन्स्टिपेशन या फिर वो गैस या इनडाइजेशन की शिकायत हो सकती है। और ज़्यादा मसाले वाला खाना नहीं खाएं, और बहुत ज़्यादा अगर आप चाय कॉफ़ी भी पीते हैं तो उससे भी दोस्तों आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और इनडाइजेशन की शिकायत भी हो जाती है। इसके अलावा आपको डेली 8 घंटे कम से कम सोना है, रात में अच्छी तरीके से आपको नींद लेनी है, और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो उससे भी जो है आपको बीमारी हो जाती है। इसके अलावा अगर आप एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं या फिर वॉकिंग रनिंग कुछ भी जो है कर सकते हैं कभी भी जब भी आपको समय मिलता है सुबह या शाम को, तो ये भी दोस्तों आपको फॉलो करना है अगर आपको इसका अच्छा या बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो। और दोस्तों अगर आप ये मेरी एडवाइस जो है फॉलो करोगे ना, तो देखिएगा धीरे धीरे ये मेडिसिन आपको लेना, मेरा मतलब इसकी जो हैबिट है आपकी छूट जाएगी, तो आप इसको फिर लेना भी बंद कर सकते हो। तो इधर दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा उस मेडिसिन के बारे में, और अभी कोई डाउट है तो कमेंट द्वारा पूछ सकते हो। और इस टाइप से अगर आप हेल्थ से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो या फिर डाबर से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप बने रही हो देखते रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर केयर।